चलो अब ये जो कंटिन्यूटी वाला पॉइंट था इसके ऊपर एक एग्जांपल देख लो। ठीक है, जीरो से लेके पाई सीकेंट स्केयर एक्स नाइन प्लस टेन स्केयर एक्स डीएक्स। और देखो यहां पे क्लियरली हम क्या करेंगे, टेन एक्स को टी लेके जाएंगे, सीकेंट स्केयर एक्स डीएक्स इज डी टी। तो हम क्या करने की कोशिश करेंगे, अगर हम कंटिन्यूटी वाला पॉइंट भूल जाए तो क्या करने की कोशिश करेंगे, ऊपर क्या बन जाएगा डी टी, नीचे नाइन प्लस टी स्केयर इंटीग्रेशन। राइट, जीरो पुट किया, पुट किया जीरो। तो बाबा एक चीज समझो, सबसे पहले अगर इस कर्व का एरिया निकालना मेरे को ए से लेके ए तक ही, ए टू बी होता तो एरिया आता, ए टू ए एरिया क्या होगा, तो यानी कि ये याद रखो वैसे भी डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर अगर लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम हो जाए तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या आएगा, जीरो। बात समझ में आ रही है? राइट, तो यस इसका डेफिनेटली एरिया क्या आएगा, मतलब इसका आंसर जीरो आना चाहिए। बट ये समझो, ये फंक्शन को देखो जरा ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये इस तरीके से ऑब्जर्व करवाता हूं मैं, ये जो जस्ट अभी हमने जो थ्योरम की उसी के ऊपर है। ठीक है, क्या चीज, उसका थर्ड पॉइंट चेक करो जरा, थ्योरम का थर्ड पॉइंट चेक करो जरा, पॉजिटिव है ये, स्केयर हो रहा है पॉजिटिव, नीचे पॉजिटिव, तो ये चीज कभी नेगेटिव जा सकती है, तो दिस फंक्शन लाइज ऑलवेज अबव। तो अगर ये हमेशा अबव एक्स एक्सिस है तो इसका जहां से मर्जी जहां तक एरिया करो वो कभी भी जीरो, वो पॉजिटिव ही आएगा। तो ये जो आ रहा है वो डेफिनेटली क्या है, गलत, और ये लिमिट के कारण गलत हुआ है, लिमिट के अंदर बेसिकली जो हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं उसके कारण गलत हुआ, क्योंकि जीरो से पाई के बीच में टेन एक्स जो होता है वो क्या होता है, टूटता है। आई होप क्लियर हुआ। राइट, तो इसका करेंगे क्या, याद रखो आगे जाके हमारी एक प्रॉपर्टी आएगी कि जहां पर भी फंक्शन टूटता है या उसकी डेफिनेशन चेंज होती है वहां पे हमें जो हमारे लिमिट्स हैं लिमिट्स को भी तोड़ना होता है, लिमिट्स को भी तोड़ना होता है। अब इस चीज को करवाने के लिए ठीक है एक पॉइंट चाहिए, वो पॉइंट पहले हम करेंगे फिर इस एग्जांपल को मैं कराऊंगा। पहले ये नोट कर लो कि यस कंटिन्यूटी के केस में ये एक एग्जांपल है जो वर्क नहीं करेगा। वी हैव टू मेक श्योर द फंक्शन इज कंटिन्यूस, हाउ टू मेक श्योर, वो इसका अगला पॉइंट है, पहले ये नोट कर लो। शाबाश। चले देखो,
ठीक है, क्या पॉइंट है हमारा कि इफ लिमिट इंटीग्रेशन की लिमिट ठीक है अपर या लोअर टेंड्स टू इंफिनिटी अगर हो जाए, ठीक है, तो बेसिकली क्या करना है? ठीक है, कहने का मतलब यहां पर यही है कि इन्फिनिटी का मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर फंक्शन डिफाइंड नहीं हो सकता, तो क्या स्टिल वहां पर इंटीग्रेशन नहीं किया जा सकता? किया जा सकता। अब ये बड़ी वियर्ड सी बात जा रही है कि फंक्शन डिफाइंड नहीं है बट स्टिल इंटीग्रेशन पॉसिबल है, कैसे? एक्चुअली में हम वहां पे इन दैट केस लिमिट निकालते हैं। ठीक है, देखो मान लो हमारे पास ऐसा है ए पे फंक्शन डिफाइन नहीं, राइट, और हमें क्या निकालना है ए टू बी, ठीक है, एफ ऑफ एक्स डीएक्स। अब बच्चा क्लियरली ये बोलता है कि यार ए पे तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो ए की लिमिट पुट ही नहीं कर सकते हम बाद में जाके, या फिर यहां से एरिया कैसे डिफाइन करेंगे? एरिया तो डिफाइन ही नहीं हो पाएगा जो हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो एक्चुअली में इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम ये नहीं निकालते, ठीक है, इस केस में ये नहीं निकालते, इस केस में क्या करते हैं, एक ऐसा नंबर लेते हैं लेट्स से ए वन, उसके बाद वाला, क्योंकि देखो ना लेफ्ट हैंड बाउंड्री है ना, डोमेन का लेफ्ट हैंड पॉइंट है, तो ऑब्वियसली राइट में फंक्शन एग्जिस्ट करता है। अब ये पॉइंट अगर ए वन है तो इसको क्या करेंगे, धीरे धीरे करके ए के पास लाएंगे, लिमिटिंग वैल्यू लेके जाएंगे, वो इसका फाइनल आंसर बनेगा। यानी कि इसको एक्चुअली में लिखेंगे ऐसे, अच्छा ये अल्फा ले लो अल्फा, तो अब निकालेंगे अल्फा से लेके बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स, लेकिन अल्फा के ऊपर लिमिट लगाएंगे, लिमिट अल्फा टेंड्स टू ए फ्रॉम नेगेटिव साइड, नेगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव साइड। आई होप क्लियर हुआ। इस तरीके से लिमिट को इवेल्यूएट करने की कोशिश करेंगे। आई होप क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो, यस राइट, सर चाहे अब लेफ्ट साइड से हो ठीक है, या ए के ऊपर हो या बी के ऊपर हो, हमेशा इसी तरीके से हम चलेंगे, इन्फिनिटी के लिए भी इसी तरीके से चलेंगे। ठीक है, अगर एक आधी लिमिट इन्फिनिटी जा रही है तो उसके ऊपर भी ए लेके जाएंगे और लिमिट ए टेंड्स टू इन्फिनिटी कर देंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, ऐसे देखो अगर ये ए है ये बी है, ठीक है, ये ऐसा है राइट, और हमें करना है एफ ऑफ एक्स डीएक्स ए टू बी, तो बाबा एट पे तो फंक्शन वैसे भी डिफाइन है, उसके जस्ट बाद इन्फिनिटी से आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, अल्फा एफ ऑफ एक्स डीएक्स अल्फा टू बी एंड लिमिट अल्फा टेंड्स टू ए फ्रॉम पॉजिटिव साइड, दैट्स इट, इस तरीके से इवेल्यूएट करेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देखो इसका, हाँ अल्फा जो है पॉइंट वो यहां पे होगा ना, तो अल्फा को धीरे धीरे करके ए को पॉजिटिव साइड, हाँ हाँ पॉइंट होगा, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ ए पे डिफाइंड नहीं है, अल्फा पे तो डिफाइंड है भाई, अल्फा लेके वही जा रहे हैं ना, कि अल्फा को धीरे धीरे करके ए को अप्रोच कराएंगे। यार ऐसे तो फिर वो जो लिमिट कसम पे वो भी डिफाइन नहीं होना चाहिए, क्योंकि लिमिट में भी हम क्या करते हैं, एक पॉइंट को अप्रोच कराते हैं, तो जिससे अप्रोच करा रहे वो तो उसके पहले वाला पॉइंट है, वो भी डिफाइन नहीं होना चाहिए फिर। एक्चुअली में वहां पे हम पॉइंट की वैल्यू डिफाइन नहीं कर रहे, उस पॉइंट को नाम दे रहे हैं, और धीरे धीरे करके हम बोल रहे कि हाँ अगर वो उस तरफ जा रहा है तो ओवरऑल वैल्यू किस तरफ जा रही है, वो चीज को ऑब्जर्व करना, दैट्स इट, ठीक है ना। अब देखो जरा एग्जाम्पल, एल एन एक्स डीएक्स इंटीग्रेशन, अब तुम्हें एल एन एक्स का ग्राफ याद है, वो होता है ये, ठीक है, ये पॉइंट होता है वन, तो लेट से ये वाला एरिया निकालना है यार अपने को, ठीक है, यानी कि इंटीग्रेशन करना है जीरो से लेके वन। अब मेरे को मालूम है जीरो पे किया जाता है माइनस इनफिनिटी, मान लो मैंने इसका इंटीग्रेशन कर भी दिया, राइट, तो याद है वन डॉट लेके करते हैं, राइट, तो एल एन एक्स का इंटीग्रेशन वन डॉट लेके क्या बन जाएगा, सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन, तो एल एन एक्स एज इट इज वन का इंटीग्रेशन एक्स माइनस इंटीग्रेशन वन का इंटीग्रेशन एक्स एल एन एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वन बाय एक्स डीएक्स, तो क्या बन जाएगा एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स प्लस सी, तो ये बना राइट, तो जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स के ऊपर लगाऊंगा जीरो टू वन, हाँ जाना, अब मैं वन पुट करूंगा तो ये जाएगा वन एल एन वन माइनस
जीरो एल एन जीरो माइनस जीरो, लेकिन ये तो डिफाइंड ही नहीं है एल एन जीरो, क्योंकि एल एन जीरो माइनस इन्फिनिटी होता है। तो बच्चा यहाँ पे बोलता है कि यार ये डिफाइंड नहीं है, या तो नॉट डिफाइन हो जाएगा या तो माइनस इन्फिनिटी, ऐसा कुछ बोल के खत्म कर देता है। लेकिन एक्चुअली में ये जा रहा है जीरो इंटू इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पर ये काम नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा अल्फा एंड लिमिट अल्फा लगाऊंगा टेंड्स टू जीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड, बात समझ में आया राइट। तो क्या आएगा हमारा अल्फा टू वन एल एन एक्स डी एक्स, लिमिट अल्फा टेंड्स टू, लिमिट अल्फा टेंड्स टू जीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड, इंटीग्रेशन अल्फा टू वन एल एन एक्स डी एक्स। आई होप क्लियर हुआ, श्योर। तो एल एन एक्स का इंटीग्रेशन एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स अल्फा टू वन, और लिमिट तो अल्फा पे लगेगी लगेगी, है ना। तो वन पुट किया, वन पुट करके तो क्लियरली वन एल एन वन, एल एन वन जीरो होता है, तो बचा माइनस वन, तो आ रहा है माइनस, अल्फा पुट कराया तो अल्फा एल एन अल्फा माइनस अल्फा, लिमिट अल्फा टेंड्स टू जीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड। आई होप क्लियर हुआ। अब यार ध्यान से एक चीज को चेक करो, जैसे जीरो की तरफ जा रहा है, ये जीरो की तरफ जा रहा है, ये एल एन जीरो, एल एन जीरो क्या होता है माइनस इन्फिनिटी, तो ये जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन गई, हाँ या ना, आगे इंडिटरमिनेंट फॉर्म, और ये किसकी तरफ जा रहा है जीरो की तरफ, तो ये तो पंगा ही नहीं कर रहा कुछ, हमें बस अल्फा एल एन अल्फा को हैंडल करना है फॉर अल्फा टेंड्स टू जीरो, अल्फा टेंड्स टू जीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड, हाँ या ना राइट। अब ध्यान से देखो अल्फा एल एन अल्फा सिर्फ इसी चीज को इवेल्युएट करते हैं, लिमिट अल्फा टेंड्स टू जीरो फ्रॉम, तो इसको लिखा मैंने एल एन अल्फा डिवाइडेड बाय वन बाय अल्फा, ये लिख सकता हूं, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर तो न्यूमरेटर में आ जाता है ना राइट। अब ये बन गया अपना अल्फा जीरो की तरफ जा रहा है, तो वन बाय जीरो इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। तो एल हॉस्पिटल रूल का क्या होता था हमारा, कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या जीरो बाय जीरो फॉर्म में कन्वर्ट करके डेरिवेटिव कर दो, उसका जो आंसर आएगा वही हमारा लिमिट का आंसर होगा। तो इसका डेरिवेटिव करो, क्या आ गया वन बाय अल्फा डिवाइडेड बाय माइनस वन बाय अल्फा स्क्वायर, तो ये बन गया वन बाय अल्फा और माइनस अल्फा स्क्वायर ऊपर, तो दैट इज माइनस अल्फा। तो इसका जो आंसर आएगा और इसका जो आंसर आएगा सेम लिमिट पे सेम आएगा, तो इस पे लिमिट लगाओ, लिमिट अल्फा टेंड्स टू जीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड माइनस अल्फा, क्या चला गया जीरो। तो इस चीज का आंसर क्या जा रहा है इसका, तो बचा क्या, डन। आई होप क्लियर हुआ। अगेन स्कूल लेवल पे ये चीजें नहीं पूछी जाएंगी, मैं पहले बोल कभी भी नहीं, आई होप क्लियर हुआ। बट क्या करना है, ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ। हाँ जी सर, हाँ जी पवन सर, यार बताओ एक बार फिर से कि लाइक सर जब हम इंक्लूड नहीं करते कोई पॉइंट को, तो आपने कहा था उसके मतलब साइड वाला पॉइंट भी हम कंसिडर नहीं कर सकते, वो काफी पॉइंट्स में होगा, तो यहाँ पे हम उसको अल्फा टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव फिर डिफाइंड ही नहीं है। पवन 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 यही पॉइंट था मानस का, अभी लिमिट का कंसेप्ट क्या है, लिमिट का कंसेप्ट ये है कि यस एक पर्टिकुलर पॉइंट के जस्ट अगला वाला पॉइंट डिफाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको अप्रोच जरूर किया जा सकता है, बात समझा। यस सर, जैसे यस वन को अगर अप्रोच करना, वन को वन के जस्ट बड़े वाला नंबर नहीं डिफाइंड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लिमिट एक्सटेंड्स टू वन फ्रॉम पॉजिटिव साइड में ये कर नहीं सकता, ये बिल्कुल कर सकता हूँ 1.1, 1.01, 1.001, 1.001। अब लिमिट का मतलब ये नहीं कि 1 के बहुत क्लोज पहुंचना, राइट। मैथमेटिकली हमें पॉइंट वाइज वैल्यू वाइज वहां पे पहुंचना नहीं है, हमें बस देखना है कि वो वैल्यू कहां पे टेंड कर रही है, ठीक है ना। हाँ तो यस ये चीज बिल्कुल वैलिड है, ये चीज बिल्कुल वैलिड है, हम यहाँ पर उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं कर रहे, हम नहीं बोल रहे कि अगर यहाँ पर अल्फा टेंड्स टू जीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड है तो अल्फा जीरो के जस्ट पहली वाली वैल्यू को डिफाइन करेगा, भाई डिफाइन कर रहा है, लेकिन उसकी वैल्यू वाइज अगर देखा जाए तो जीरो के बड़ी वाली साइड से वैल्यू तो है ही है ना, वो जो भी वैल्यू है अल्फा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्या है उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है ऐसा जान दो। ओके सर, हाँ ठीक, करो 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 नोट करो।
अब इसी को यूज करके वही वाला जो एग्जांपल था राइट वो देखते हैं जो हमने बोला था कंटिन्यूटी के कारण फेल हो जाता है ना। देखो अच्छा वो था चिकन स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स डीएक्स। 9 ले लो यार, 9 से फर्क नहीं पड़ेगा है ना, 9 से थोड़ा फर्क पड़ेगा। देखो अब टेन एक्स का बिहेवियर 0 से π के बीच में π बाय 2 पे ब्रेक करता है और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जाता है, तो इसकी लिमिट हम क्या लेके जाएंगे, इंटीग्रेशन 0 से π बाय 2 प्लस इंटीग्रेशन π बाय 2 से पाए सीकेंट स्क्वायर एक्स ओवर 9 प्लस 10 स्क्वायर एक्स dx, सीकेंट स्क्वायर एक्स ओवर 9 प्लस 10 स्क्वायर एक्स dx। आई होप क्लियर हुआ, श्योर राइट। अब देखो यहां पे जब मैं टेन एक्स को टी लूंगा तो ये चला जाएगा dt बाय 9 प्लस t स्क्वायर, यहां पर भी ये क्या चला जाएगा इंटीग्रेशन dt बाय 9 प्लस t स्क्वायर। अब देखो 0 पुट किया 0, पाई पुट किया 0, तो ये दोनों तो सही है राइट। अब जब मैं पाई बाय 2 पुट करूंगा तो ये 0 से π बाय 2 की तरफ जा रहा है, हाँ या ना, ये 0 से π बाय 2 की तरफ जा रहा है ऐसे। एग्जैक्ट पाई बाय 2 पे तो नॉट डिफाइन होता है, बट यहां से अगर वो जा रहा है तो पाई बाय 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट लगेगी ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में टेन क्या होता है प्लस इंफिनिटी, यानी कि अब प्लस इंफिनिटी नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे अल्फा लिमिट अल्फा टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी। आई होप क्लियर, सॉरी प्लस इंफिनिटी बेसिकली, आई होप क्लियर हुआ, ओ सॉरी इंफिनिटी है ना, अल्फा टेंड्स टू इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। और यहां पे अब पाई बाय 2 से पाई है, पाई बाय 2 से पाई का मतलब ये वाला पाई है ना, उसके बाद वाला, तो बाद वाले पे टेन क्या होता है माइनस इंफिनिटी, तो यहां पे लगाएंगे लेट से बीटा एंड यहां पे लिमिट लगा देंगे लिमिट बीटा टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी। अब इसको इवेल्युएट करेंगे हम, आई होप क्लियर हुआ ये स्टेप फिर से ठीक है। देखो 0 से π बाय 2 है बच्चे, 0 से π बाय 2 के बीच में टेन क्या होता है 0 से बढ़ के इंफिनिटी, यानी कि इसकी जो लिमिट आएगी वो क्या आएगी, टेन को अगर मैं टी लेके जा रहा हूं तो टेन की वैल्यू क्या हो रही है 0 से इंफिनिटी जा रही है, यानी कि टी की वैल्यू क्या जाएगी 0 से इंफिनिटी। बात समझ में आ रही है, यहां पर हम टी की वैल्यू लिखेंगे ना कि अगर एक्स मेरा 0 से π बाय 2 जा रहा है तो टी की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है। अब देखो एक्स की वैल्यू 0 यहां पे 0 रखी, उसके बाद बड़ी 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 बढ़ते 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 पाई बाय 2 चली गई, जैसे पाई बाय 2 गई तो 0 से π बाय 2 पे टी की वैल्यू क्या जा रही है 0 से इंफिनिटी, तो ये इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। अब इंफिनिटी के लिए हमने लिमिट लगानी है तो इसलिए अल्फा ले लिया लिमिट अल्फा टेंड्स टू इंफिनिटी, और ये चीज पाई बाय 2 से जा रहा है पाई, पाई बाय 2 से पाई का मतलब माइनस इंफिनिटी से 0, तो ये माइनस इंफिनिटी से 0 जा रहा है, लेकिन माइनस इंफिनिटी के लिए अगेन लिमिट लगा दी दैट इज बीटा, बीटा टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी। अब इसको इवेल्युएट करेंगे क्या क्या आ जाए, 1 बाय 3 tan इनवर्स t बाय 3 प्लस 1 बाय 3 tan इनवर्स t बाय 3, यहां पे लिमिट लगी 0 से अल्फा, यहां पे लिमिट लगी बीटा से 0, लिमिट अल्फा टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट अल्फा टेंड्स टू सॉरी बीटा, लिमिट बीटा टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, ये क्लियर है। अब इधर पहले अल्फा पुट करो तो 1 बाय 3 tan इनवर्स अल्फा बाय 3 माइनस 0 पुट किया टेन इनवर्स 0 0 गया, प्लस 0 पुट किया माइनस बीटा है ना, इधर आ गया अल्फा लिमिट, यार देखो यही लिमिट इधर कंटिन्यू हो रही है, यही लिमिट इधर कंटिन्यू हो रही है ठीक है ना, बार बार नहीं लिख रहा मैं। अब अल्फा टेंड्स टू इन्फिनिटी तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है पाई बाय 2, पाई बाय 2 इंटू 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 3 इंटू टेन इनवर्स क्या जाएगा माइनस इन्फिनिटी, टेन इनवर्स माइनस इन्फिनिटी माइनस पाई बाय 2, तो माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 इंटू माइनस पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6 आ गया आंसर। अब देखो खुद देखो पहले वाले पार्ट का आंसर जो आ रहा है वो भी पॉजिटिव आ रहा है पाई बाय 6, दूसरे वाले पार्ट का आंसर वो भी पाई बाय 6 आ रहा है,
दोनों का पॉजिटिव आ रहा है, अब आ रहा है ना, पहले यही चीज कैंसल आउट होती जा रही थी। आई होप क्लियर हुआ, श्योर? कंटिन्यूटी को कैसे मेंटेन करना है, क्लियर हुआ? राइट, तो जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो रहा है वहां पे तोड़ दो और वहां पे लिमिट लगा लो, बात करो, नोट करो, शाबाश, नोट करो।